ना पूर्वाद रूपे आ प्री वाइब्रंट समीट तरीके अहीं आणंदनी भूमि पर थी त्रिदिवसीय अग्रि समीट नु आयोजन थयुं छे। हमारा परम सौभाग्य है कि आज विश्व के सर्वाधिक जननायक और भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने उपस्थित है। आइए जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें, अभिवादन करें। नेशनल फार्मिंग के इस नेशनल समिट में त्रिदिवसीय समिट के दौरान कुछ उपलब्धियां कुछ विचार मंथन हमने साझा किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से। इस विचार और इस अनुभवों के बारे में संक्षिप्त में साझा करेंगे। माननीय मुख्य सचिव श्री आपसे अनुरोध है कि आप एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को इसकी आउटलाइन दें। नमस्कार, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रणाम। हमने सारे पार्टिसिपेंट्स को एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। संक्षिप्त में आपके ध्यान पे नम्र निवेदन करूंगा। आपने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है और आत्मनिर्भर के निर्माण में गुजरात भी प्रतिबद्ध है और जिसके कारण इस वर्ष की ग्लोबल वाइब्रेंट गुजरात समिट की भी थीम हमने आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत रखी है। और देश तब आत्मनिर्भर बनेगा जब देश के किसान और देश की कृषि आत्मनिर्भर बनेगी। और आपके मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से हमने इस प्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के रूप में ये त्रिदिवसीय आनंद में राष्ट्रीय स्तर का यह शिखर सम्मेलन कृषि और खाद्य संस्करण के रूप में हमने प्रस्तुत किया है। इस शिखर सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के माननीय मंत्री श्रीयो, वरिष्ठ अधिकारी श्रीयो, कृषि क्षेत्र से जुड़े शोधकर्ताओं, संस्थाओं, निष्णातों, किसानों, छात्रों और निजी क्षेत्र से अच्छी भागीदारी प्राप्त हुई है। और इस कार्यक्रम के दौरान सभी प्रख्यात वक्ताओं ने कृषि और संबंध क्षेत्र से संबंधित प्रमुख विषयों पे यहाँ पे चर्चा हुई है, जिसमें किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभ, चुनौतियां और देश भर में इसे बढ़ाने की क्षमता पर बात हो, या फिर FPO किसानों की आय को कैसे बदल सकता है और उन्हें किसानों के सामूहिकीकरण के माध्यम से एंड टू एंड फार्म टू फोर्क मॉडल का हितकारक बनने में सक्षम बनाने की बात हो, या फिर कृषि परिवर्तन में प्रौद्योगिकी और मशीनीकरण की भूमिका हो, या फिर कृषि मूल्य श्रृंखला में किए गए प्रासंगिक और क्रांतिकारी शोध की जानकारी हो। और इस संगोष्ठी में 17 राज्य और भारत सरकार के 4 मंत्रालयों शामिल हुए हैं। 7,200 वर्ग मीटर विस्तार में आयोजित प्रदर्शनी में 300 से अधिक स्टॉल भी इस आयोजन के विशेष पहलू रहे हैं। और इस कार्यक्रम में विशेषकर किसानों के लाभ के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु सर काफी बल दिया गया है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपकी प्रेरणा एवं दिशा निर्देश के अंतर्गत भारत सरकार और गुजरात सरकार के संयुक्त प्रयास से आज प्राकृतिक खेती पे इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस भारतवर्ष के ये प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है और ये देश के इतिहास में एक उल्लेखनीय दिन बनेगा। ये पूरे देश के लिए, गुजरात के लिए और आनंद के लिए बहुत ही गर्व की बात है।
यह अत्यंत हर्ष की बात है कि आप इस राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और जीरो बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की प्रासंगिकता पर देश भर के किसानों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, प्राकृतिक खेती और देश भर में किसान कल्याण के लिए नव गठित सहकारिता मंत्रालय के विजन पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। गुजरात के माननीय राज्यपाल महोदय प्राकृतिक खेती के संदर्भ में अपने विशाल अनुभव आधारित संभाषण देंगे। यह नेशनल कॉन्क्लेव और आपके मार्गदर्शन में देश भर के लाखों किसान भाई बहनों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने की दिशा में, आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान बनाने में तथा किसानों की आय को दुगना करने में फलदायी साबित होगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्य सचिव महोदय। बधु रयू बदलाई अहो अम भारत भाग्यनी साथे, आपनु भाग्य हवे बदलीशू प्राकृतिक खेती संगाथे। ગુજરાતની આ ધરાને પ્રાકૃતિક ખેતી દ્વારા દેશનું અને ખેડૂતોનું ભાગ્ય બદલવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું છે। આ કોન્ક્લેવના વિચાર મંથનથી દેશભરમાંથી અહીં અગ્રેસર એવા મહાનુભાવોનું સ્વાગત પ્રવચનથી કરવા ગુજરાત રાજ્યના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી માન્ય શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને આમંત્રિત કરીએ છીએ। વાયબ્રન્ટ ગુજરાત કોન્ક્લેવ સમિટ 2022 ના પૂર્વાર્ધ રૂપે આયોજન રહેલા ઝીરો બજેટ પ્રાકૃતિક ખેતીના આ રાષ્ટ્રીય પરિષદમાં આપણી સાથે વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી જોડાયેલા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર, વૈશ્વિક નેતા, આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબજી, મંચ ઉપર ઉપસ્થિત આપણા સન્માન્ય રાજ્યપાલ મહોદય શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી માન્ય અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમર, વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી જોડાયેલા ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી શ્રી યોગી આદિત્યનાથજી, રાજ્ય સરકારમાં મારી સાથે કૃષિ મંત્રી શ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ, મંત્રી શ્રી નરેશભાઈ પટેલ, મંત્રી શ્રી દેવાભાઈ માલમ, મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા, મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી, બિહારના કૃષિમંત્રી અરમેન્દ્ર શ્રી પ્રતાપસિંહ, ત્રિપુરાના પશુપાલન મંત્રી શ્રી ભગવાનદાસ, ત્રિપુરાના સહકાર મંત્રી શ્રી રામપ્રસાદ પૌલ, આણંદ જિલ્લાના સાંસદ શ્રી મિતેશભાઈ પટેલ, કેન્દ્રના સહકાર વિભાગના સચિવ શ્રી ડીકે સિંહ, મુખ્ય સચિવ શ્રી, સૌ અધિકારીગણ, આ સભાગૃહમાં ઉપસ્થિત ખેડૂત ભાઈઓ, વૈજ્ઞાનિકો, વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી જોડાયેલા દેશભરના ખેડૂત મિત્રો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો તથા જિલ્લા સ્તરે અને ગ્રામ સ્તરે જોડાયેલા વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી સૌ મંત્રીગણ, ધારાસભ્યશ્રી, ખેડૂત મિત્રો, દૂધ સહકારી સંઘના સભ્ય સૌ સભ્યશ્રીઓ, લોહ પુરુષ સરદાર પટેલની કર્મભૂમિ એવા આણંદ જિલ્લામાં રાજ્ય સરકાર વતી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। સરદાર સાહેબની દ્રઢ ઈચ્છાશક્તિ અને નિર્ધારથી એક અને અખંડ રાષ્ટ્રનું નિર્માણ થયું। હવે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈના સંકલ્પથી અનેકતામાં એકતા સાથે આત્મનિર્ભર ભારતનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે। આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીની પ્રેરણાથી યોજાનારી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2022ની થીમ પણ આત્મનિર્ભર ગુજરાતથી આત્મનિર્ભર ભારત રાખવામાં આવી છે। આ વાયબ્રન્ટ સમિટના પૂર્વાર્ધ રૂપે આણંદ મત્રી દિવસે એગ્રો સમિટમાં ન્યૂ એરા ઓફ કોઓપરેશન અને નેચરલ ફાર્મિંગના વિષયે ગહન મંથન અને ચિંતન થયું છે। ગુજરાતનું સૌભાગ્ય છે કે આજે આણંદની આ ભૂમિ પરથી આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નેચરલ ફાર્મિંગ ઝીરો બજેટ ખેતી માટે રાષ્ટ્રવ્યાપી જનચેતનાનો પ્રેરક સંદેશ આપવાના છે। સંસ્કૃતિની, જમીનની,
પ્રજાની ભાષાની પોશાકની ખાનપાનની આબોહવાની એવી અનેક વિવિધતા વચ્ચે કૃષિ ક્ષેત્રની પણ આગવી વૈવિધ્યતા ભારતમાં છે. આપણે ત્યાં રણ પ્રદેશથી લઈ નદીના કાંપવાળી જમીનનો પ્રદેશ છે, તો સાથોસાથ પર્વતીય ટેકરાવાળી જમીન પર ખેતી અને પર્વતની ગોદમાં ફળદ્રુપ જમીનની ખેતી પણ છે. કૃષિ વિવિધતા ધરાવતા ભારતમાં આઝાદી પછી અનાજની માંગ પૂરી કરવા સુધારેલા બિયારણો અને રાસાયણિક ખાતરોનો ઉપયોગ કરવો પડ્યો. કાળક્રમે આપણે જે પોતાનું હતું તે વિસરી ગયા અને રાસાયણિક ખાતર પાછળ આંધળી દોટ મૂકી. આવા રાસાયણના ઉપયોગથી પર્યાવરણ દૂષિત થયું, જમીનની ફળદ્રુપતા ઘટી ગઈ અને ખેત પેદાશોમાં જંતુનાશક દવાઓના અવશેષો આવવાને કારણે માનવ સ્વાસ્થ્ય પણ ખરાબ અસરો પડી. આપણે ત્યાં કહેવત છે, અન્ન એવા ઉટકા. આપણી થાળીમાં જે અન્ન આવે છે તે રાસાયણિક ખાતરથી પકવેલું હોય તો ધીમે પગલે શરીરમાં રોગ બીમારીઓનો પસારો પણ કરવાનો. આવા અન્ન ખોરાક ખાઈને સ્વાસ્થ્યને નુકસાન તો થવાનું જ, બીમારીઓ થવાથી અને દવાના મોટા બિલ પણ ભરવા પડવાના. આ રાસાયણિક ખાતરો દવાના વધુ પડતા ઉપયોગથી પકવેલ ખેતી પેદાશો આરોગતા લોકોમાં કેન્સર, મધુમેહ, ટીબી, હાર્ટ એટેક અને અન્ય રોગોનું પ્રમાણ પણ વધતું જોવા મળ્યું છે. એટલું જ નહીં, મોંઘા રાસાયણિક ખાતરો અને કીટનાશકોના ઉપયોગથી ખેડૂતોને પાક ઉત્પાદન ખર્ચ પણ વધ્યો છે. આ બધી પરિસ્થિતિ સામે લડવા તેમજ જળ, જમીન, પર્યાવરણ અને માનવ સ્વાસ્થ્યનું રક્ષણ કરવા માટે હવે બેક ટુ નેચર, પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળવું એ જ શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. પ્રાકૃતિક ખેતી કુદરતના સિદ્ધાંત પર આધારિત ખેતી છે. ફક્ત એક દેશી ગાયના ગોબરમાંથી અને ગૌમૂત્રમાંથી જીવામૃત બનાવી 20 એકરમાં ખેતી થઈ શકે છે. આજે વિશ્વના મોટા ભાગના દેશોમાં આવા નેચરલ ફાર્મિંગ, ઝીરો બજેટ ખેતીથી ઉત્પન્ન થયેલા ખેત ઉત્પાદનની બહુ મોટી માંગ છે. વર્લ્ડ માર્કેટ આવી પ્રોડક્ટ માટે ખુલ્લું છે. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી 2022 સુધીમાં દેશના ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા કૃતસંકલ્પ છે. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ 2019માં સ્વાતંત્ર્ય દિવસે લાલ કિલ્લેની પ્રાસીર પરથી આપણને પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળવાનું આહ્વાન કર્યું છે. આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ આપણે તેમના નેતૃત્વમાં ઉજવી રહ્યા છીએ ત્યારે ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ ઓછો કરી ખેતીને પણ અમૃતમય બનાવે એવું એમનું સપનું છે. ગુજરાતમાં પ્રધાનમંત્રીશ્રીના આ સપનાને પાર પાડવા પ્રાકૃતિક ખેતી ક્ષેત્રે આયોજનબદ્ધ કામ થઈ રહ્યું છે. પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા પરિવારને દેશી ગાયના નિભાવ માટે પ્રતિ માસ ₹900 સહાય અપાય છે. 2020-21માં આ વર્ષમાં 1,05,000 ખેડૂતોને કુલ 57.62 કરોડ સહાય આપણે ચૂકવી આપી છે. પ્રાકૃતિક ખેતી માટે મોટા પાયે કિસાનોને પ્રેરિત કરવા બાયઝેક સેટેલાઇટ અને ઈ ગ્રામ સેન્ટર જેવા માધ્યમથી અત્યાર સુધી 8,20,000 ધરતીપુત્રોને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે. આદિજાતિ વિસ્તાર અને રાજ્યમાં છેક છેવાડાના જિલ્લા ડાંગને 100% પ્રાકૃતિક ખેતી જિલ્લો બનાવી દીધો છે. પ્રધાનમંત્રીશ્રીના માર્ગદર્શન અને પ્રેરણાથી પ્રાકૃતિક ખેતીની દિશામાં આપણે જેટલા આગળ વધીશું તેટલા ખેડૂત અને ખેતી સમૃદ્ધ થશે, આત્મનિર્ભર બનશે. વોકલ ફોર લોકલના મંત્ર સાથે પ્રાકૃતિક ખેતીથી ઉત્પન્ન થયેલું અન્ન અને ઉત્પાદનનો વિશ્વ સમક્ષ પહોંચાડી ભારતને જગતગુરુ બનાવવાની આપની નેમ પણ સાકાર થશે. નેચરલ ફાર્મિંગ, ઝીરો બજેટ ખેતીની આ નેશનલ કોન્કલેવમાં આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું અમૂલ્ય માર્ગદર્શન અને દેશની કૃષિ ક્રાંતિને નવી દિશા આપશે એવો મને વિશ્વાસ છે. પી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટના ઉપલક્ષમાં યોજાયેલી આ કોન્કલેવમાં ફરી એકવાર આપ સૌનું સ્વાગત કરવી વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપનો. એક સમય થા જબ ભારત કો સોને કી ચિડિયા કહા જાતા થા. ઇતના હી નહીં, હમારે યહાં ઘી દૂધ કી નદિયાં બહેતી થી, ક્યોંકિ ઉસ સમય હમ પરંપરા સે જુડી ઓર પ્રાકૃતિક ખેતી કરતે થે. ખાદ કી જગા ગોબર ઓર કીટનાશક કી જગા ગૌમૂત્ર કા પ્રયોગ હોતા થા.
बदलते समय के साथ रासायनिक खाद के उपयोग से देश में अन्न उत्पादन तो बढ़ता गया, पर प्राकृतिक खेती से हम विमुख होते चले। अब समय है बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर का। प्रधानमंत्री श्री के नेतृत्व में इस दिशा में कृषि विभाग ने भरसक सफल प्रयास किए हैं, आदरणीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी के मार्गदर्शन में। आमंत्रित करते हैं माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी को, आप इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। आज के इस गरिमामयी राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हम सब के प्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, हम सब के मध्य विराजमान गुजरात के ही सपूत और सरदार पटेल जी के पथ को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने वाले हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री मानेवर श्री अमित भाई साहब, हमारे गुजरात के कृषि मंत्री राघव जी भाई, बिहार के कृषि मंत्री अमरिंदर सिंह जी, त्रिपुरा के कृषि मंत्री, गुजरात सरकार के अन्य माननीय मंत्रीगण, सांसद नितेश भाई पटेल, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित महानुभाव, और आज के इस कार्यक्रम में सभागार में उपस्थित, गुजरात के हर गांव में उपस्थित, देश के प्रत्येक विकास खंड में उपस्थित, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में उपस्थित, कृषि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में उपस्थित और ऑनलाइन इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े लगभग 8 करोड़ किसान भाइयों और बहनों की ओर से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। गुजरात प्रेरणादायी धरती है, गुजरात ने ही महात्मा गांधी को जन्म दिया। गांधी जी ने आजादी के आंदोलन में योगदान किया और इतिहास में अमर हो गए। गुजरात की धरा ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्म दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की अनेक रियासतों को भारत संघ में विलय करके सारे देश को एकता के सूत्र में पिरोया और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को संपन्न करा के नए इतिहास का सृजन वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में हुआ था। गुजरात ने ही हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिया। गांधी जी और सरदार पटेल के बाद इस देश की धरती पर चाहे वो राम मंदिर के निर्माण का सवाल हो, चाहे काशी में भोलेनाथ जी के मंदिर का कायाकल्प हो, प्रधानमंत्री जी ने कायाकल्प करके निश्चित रूप से एक नए इतिहास का सृजन किया है। आज देश में ही नहीं, सारी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार्य है और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के परिणाम स्वरूप आज भारत की साख, भारत की विश्वसनीयता, भारत की ताकत
विश्व के राजनीतिक परिदृश्य पर ऐसी बनी है कि एक समय था जब भारत की अनदेखी होती थी और आज दुनिया का कोई भी वैश्विक संगठन का एजेंडा तब तक नहीं बनता जब तक भारत की सहमति नहीं हो जाती। यह परिवर्तन सारी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है। एक तरफ देश को आगे बढ़ाया जा रहा है, देश को नए नए आयामों से जोड़ा जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री जी गांव, गरीब और किसान के लिए जो उनका समर्पण है वह निश्चित रूप से देखते ही बनता है। आप सबके ध्यान में है गरीबी के प्रति प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता। आज अगर देश में यह सुनिश्चित होना जा रहा है कि देश के प्रत्येक गरीब आदमी को सर्व सुविधा युक्त मकान मिल जाएगा तो यह नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि का परिणाम है। कोविड के इस कालखंड में 19 महीने तक 1,60,000 करोड़ से अधिक रुपया लगाकर देश की गरीब जनता को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से हो रहा है तो यह नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता का परिचायक है। अभी आप सबने एक दो दिन पहले काशी के कॉरिडोर के उद्घाटन का अवसर देखा होगा। उस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संवेदनशील की दिशा देने का काम किया। सामान्य तौर पर हम अपना मकान बनाते हैं, उसमें एक गरीब कारीगर, वंचित समाज का कारीगर और बेलदार काम करता है। हम ऐसा मानते हैं कि उसने काम किया, हमने उसे मजदूरी दे दी, हमारा और उसका रिश्ता खत्म हो गया। एक समय था हम इतिहास में सुनते थे कि आगरा में ताजमहल का निर्माण हुआ और जिन कारीगरों ने निर्माण किया उनके हाथ काट दिए गए थे, लेकिन विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करने वाले कारीगर और बेलदारों का फूल बरसा का स्वागत करके एक नए आयाम को इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया। जहां तक कृषि और किसान का सवाल है, आज जिस समिट के अंतर्गत हम बैठे हुए हैं, यह आरंभ किसने किया? गुजरात खेती की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रांत नहीं माना जाता था, सिंचाई की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रांत नहीं माना जाता था, पीने के पानी की कमी भी गुजरात में थी। सरकारें तो बहुत आई और गई, मुख्यमंत्री बहुत आए और गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने भागीरथ बनकर गुजरात में पानी को भी बढ़ाया और खेती को भी समृद्ध बनाने का काम किया। आम तौर पर गोष्ठियां तो तमाम सारे राज्यों में होती रहती हैं, लेकिन 3 दिवसीय सम्मेलन कृषि पर, खाद्य प्रसंस्करण पर प्रतिवर्ष हो और गुजरात का किसान नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़े, यह काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस गुजरात की धरा पर प्रारंभ हुआ। मैं प्रधानमंत्री जी के साथ काम करता हूं तो समय समय पर उनकी संवेदनशीलता दिखाई देती है। मुझे बताया गया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात की गाय को अगर मोतियाबिंद आ जाता था तो गाय की आंख का ऑपरेशन कराने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभियान चलाया था। यह हम सबके लिए गौरव और प्रेरणा की बात है। जब उन्होंने देश में प्रधानमंत्री पद का काम संभाला तब से लगातार कृषि उन्नत हो, कृषक की आमदनी दोगुनी हो, कृषि समृद्ध हो, कृषि तकनीक से जुड़े, देश के भविष्य की पीढ़ी कृषि में रुके और उसकी रुचि बढ़े, इस दिशा में लगातार प्रधानमंत्री जी ने काम करना प्रारंभ किया। और आप सब ने देखा है कि पहली बार देश में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माधयम से 11.5 करोड़ किसानों को
1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपया उनके बैंक खाते में भेजने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। 7 लाख करोड़ रुपया केसीसी में किसान को मिलता था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 16 लाख करोड़ रुपया क्रॉप लोन किसान को मिल रहा है, जिससे वह अपनी खेती को आगे बढ़ा रहा है। इस क्रॉप लोन में पशुपालन और मत्स्य पालन के किसान भी जुड़े, यह भी नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया है। 22 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड किसानों को बीच में देने का काम हुआ है। छोटे किसान 85-86% है, उनकी ताकत बढ़े, वो महंगी फसलों की ओर जाएं, वो अच्छी फसलें पैदा करें, वो टेक्नोलॉजी से जुड़े, वो अपनी फसल का प्रोसेसिंग कर सके, मार्केटिंग कर सके। इसलिए देश में 10,000 FPO और उन पर 6,850 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाई गई है। कृषि के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, गांव गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर किसान को चाहिए उसकी उपलब्धता नहीं थी, तो कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, औषधि खेती के लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए प्रधानमंत्री जी ने 1,50,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत प्रावधित किया, जिस पर काम प्रारंभ हो गया है और आज उसका लाभ किसानों के संगठनों को मिलने लगा है। हम सब जानते हैं कि गैर रासायनिक खेती आज की आवश्यकता बन गई है, फसलों का विविधीकरण आज की आवश्यकता बन गई है। कृषि के समक्ष तमाम सारी चुनौतियां विद्यमान हैं, उन सारी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक के बाद एक प्रयत्न नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। आज का यह ऐतिहासिक पल देश के स्वर्ण अक्षरों में और कृषि के इतिहास में लिखा जाएगा। एक तौर से पुरानी विधा, एक तौर से प्राकृतिक विधा, प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती, आज का यह कार्यक्रम प्राकृतिक पद्धति खेती पर के लिए समर्पित है और इसलिए आज इस विषय पर हमको प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन मिलेगा और आचार्य जी का भी मार्गदर्शन मिलेगा, गृह मंत्री जी का भी मार्गदर्शन मिलेगा। आज का यह अवसर निश्चित रूप से इस विधा को हिंदुस्तान की धरती पर और बढ़ाने में उपयोगी होगा। मुझे प्रसन्नता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए एक उप योजना का आरंभ किया है। देश के 8 राज्यों ने इस उप योजना के अंतर्गत काम प्रारंभ कर दिया है और आज का यह कार्यक्रम करोड़ों किसानों की उपस्थिति, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश भर में फलीभूत होगा और हम भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद माननीय कृषि मंत्री महोदय आपका। सरदार साहब की यह भूमि सहकारिता का जन आंदोलन के रूप में एक वैश्विक मिसाल बनी है और अब प्राकृतिक खेती व सहकारिता से समृद्धि के प्रयोग से आत्मनिर्भर भारत की भी एक विशिष्ट पहचान बनने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व देश के प्रथम सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारा सौभाग्य है कि भारतवर्ष के प्रथम सहकारिता मंत्री और गुजरात के सपूत माननीय श्री अमित भाई शाह आज इस अवसर के साक्षी बने हैं। आमंत्रित करते हैं माननीय श्री अमित भाई शाह को, आप इस अवसर पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करें। आज के प्रथम
प्राकृतिक खेती पर प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में संगोष्ठी में हम सब के बीच में उपस्थित श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय, भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी, गुजरात राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, यहाँ पर उपस्थित गुजरात व अन्य राज्य के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और करोड़ों की संख्या में वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी किसान भाइयों का मैं आज स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज इस संगोष्ठी का आयोजन प्राकृतिक खेती के प्रयोग को ज्यादा आगे तक पहुंचाने के लिए और उससे होने वाले सभी लाभों का किसानों को ठीक ढंग से परिचय हो, इसलिए किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस संगोष्ठी के प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने ही पूरे देश भर में प्राकृतिक खेती, कुदरती खेती को किसान अपनाए, इसके लिए एक मुहिम को गति देने का निश्चय भी किया है और एक अपील भी की है। और परिणाम है कि देश भर में लाखों किसान आज प्राकृतिक खेती को धीरे 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 अपना रहे हैं। इसके लाभों से लाभान्वित होते देखकर अनेकानेक किसान इसके प्रयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब शायद आजादी के बाद पहली बार देश में जीडीपी में कृषि का जो योगदान है उसको सार्थक तरीके से बढ़ाने की एक पहल किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई ने की थी। सालों से जीडीपी का एक हिस्सा कृषि उत्पादन रहा ही है, मगर कृषि उत्पादन के माध्यम से भी जीडीपी बढ़ सकता है और एक वैज्ञानिक तरीके से जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनाया जा सकता है और किसानों की समृद्धि के लिए भी काम किया जा सकता है। उसका उदाहरण पूरे देश में सबसे पहले जब प्रधानमंत्री जी देश गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब हुआ और कई सालों तक 10% ग्रोथ, कृषि ग्रोथ रेट को बरकरार करते हुए गुजरात ने उसको सफलतापूर्वक किया। अनेकानेक प्रयोग किए गए कृषि महोत्सव के माध्यम से एक्सटेंशन की सारी गतिविधियों को किसान तक पहुंचाया। किसान को तहसील की ऑफिस या जिले की ऑफिस में जाने की बजाय तहसील की ऑफिस और जिले की ऑफिस गांव में पहुंचे, सारे लाभ उसके गांव में बैठकर मिले, इस प्रकार के प्रयोग किए। माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया। गुजरात जैसे प्रदेश में इरिगेटेड लैंड को कई गुना माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से बढ़ाने का काम किया। पानी जितना था इतना ही था, परंतु उसका उचित उपयोग कर वैज्ञानिक रूप से उपयोग कर अनेक गुना सिंचाई को बढ़ाया और 10% का कृषि का ग्रोथ रेट 10 साल से ज्यादा समय तक बनाए रखने का एक कह सकते रिकॉर्ड नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हुआ है। आज उन्होंने 2019 से देश भर के किसानों को एक अपील की है कि प्राकृतिक खेती को किसान अपनाएं। हम जो रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, इससे भूमि की उत्पादकता तो कम होती है, जल संग्रहण की शक्ति भी कम होती है और साथ के साथ जो हमारे खाने पीने की चीजें कृषि उत्पाद के रूप में उत्पादित होती है वो मानव शरीर के लिए भी हानिकारक है। तो सालों पुरानी अपनी पारंपरिक खेती को, प्राकृतिक खेती को पुनर्जीवित करने का एक बहुत बड़ा अभियान प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश भर के करोड़ों किसान भाइयों को अपील कर इस मुहिम में, इस अभियान में जोड़ने का आह्वान किया है। और जैसा कि हर चीज में होता है, मोदी जी किसी चीज का आह्वान करते हैं तो आह्वान मात्र से वो चीज वहां पर रुकती नहीं है, इसके लिए वो कार्य योजना बनाते हैं। कार्य योजना को बारीकी से, सूक्ष्मता से वो खुद डिजाइन करते हैं, इसका मॉनिटरिंग करते हैं
और इसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे तक खेत तक हो इसकी चिंता भी करते हैं और आज का ये कार्यक्रम उसी का एक हिस्सा है। मित्रों, देसी गाय के एक ही देसी गाय से 30 एकड़ भूमि का प्राकृतिक खेती हो पाए, एक रुपये का भी खाद या कीटनाशक का उपयोग न करना पड़े, इस प्रकार का जो प्रयोग आचार्य देवव्रत और बाकी बहुत सारे कृषि वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया है, इसको बल देने का एक काम है। देसी गाय का गोबर, उससे बना जीवामृत, वो केचुए बनाता है और केचुआ वैसे खाद की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। एक केचुआ खाद बनाता है जितना, इतना शायद कोई यंत्र भी नहीं बनाता। केचुए को पुनर्जीवित करने का ये जो अभियान है, जिसके कारण जमीन की जल संग्रहण की शक्ति भी बढ़ेगी और एक कुदरती खाद जो केचुए के माध्यम से आता है उससे भूमि की उत्पादकता बढ़ती है, खर्च भी खेती पर कम होता है, भूगर्भ जल संचित होता है और हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाने के लिए जो शरीर को हानि नहीं करती है, ऐसी मिलती है। और ये देश और दुनिया में आज की मांग है कि ऑर्गेनिक कृषि उत्पाद को बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी अभी ही भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया है कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। आजादी के 75 साल तक देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना नहीं की है। मैं देश के करोड़ों किसानों की ओर से और करोड़ों गांव वासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने सहकारिता मंत्रालय स्थापने की पहल की, क्योंकि सहकारिता के माध्यम से ही ढेर सारे क्षेत्रों में वैसे तो काम हो रहा है, फाइनेंस के क्षेत्र में भी हो रहा है, मछली पालन के क्षेत्र में भी हो रहा है, मगर सबसे ज्यादा इसका उपयोग और सबसे ज्यादा एम्पावरमेंट किसी का होना है तो देश के छोटे किसान का होना है। तो ये सहकारिता मंत्रालय की जो स्थापना की है, इसके माध्यम से हम एक नई शुरुआत भी करने जा रहे हैं। देश में प्राकृतिक खेती के बढ़ावा मिले, इसलिए किसान इसको ज्यादा से ज्यादा अपनाए, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट के उसको उचित दाम मिले और उसका जो विश्व का बाजार है इसको भारत के किसान के लिए उपलब्ध करा जाए, एक प्लेटफॉर्म उसको दिया जाए और विश्व के बाजार में वैज्ञानिक रूप से सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक ब्रांड नेम के साथ उन तक पहुंचाने का काम हो। नरेंद्र मोदी सरकार ने जो सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है, मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय एक प्रयास कर रहा है कि देश भर के अंदर हम इस प्रकार की लेबोरेटरी का एक जाला बुने जो देश की भूमि का परीक्षण भी करेगी, ऑर्गेनिक भूमि में रासायनिक खाद नहीं इसका सर्टिफिकेशन भी करेगी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का भी सर्टिफिकेशन करेगी, जिससे किसान को ज्यादा भाव मिल सके, ज्यादा दाम मिल सके। अमूल और कुछ अच्छे सहकारी संगठन इस जो हमारा एक विचार है इसको आगे बढ़ाने में लगे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लेबोरेटरी के माध्यम से भूमि और उपज दोनों का जब सर्टिफिकेशन होगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके रेट बहुत अच्छे मिलेंगे और प्राकृतिक खेती का बढ़ावा होगा, उसको और बल मिलेगा। उसकी प्राथमिक तैयारियां अभी चल रही है, मुझे भरोसा है कि एक साल के अंदर कम से कम दो राज्य के अंदर प्राकृतिक खेती अपनाने वाले सभी किसानों के लिए हम मार्केटिंग की एक चेन खड़ी कर पाएंगे और इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर अमूल के तत्वाधान में हम तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आज स्वयं यहाँ उपस्थित है, मुझे भरोसा है कि आपकी उपस्थिति से ये प्राकृतिक खेती का जो अभियान है उसको बहुत बड़ा बल मिलने वाला है, क्योंकि आपके शब्द पर देश का किसान भरोसा करता है, आपकी बात पर देश का किसान भरोसा करता है और वो मानता है कि कई सालों के बाद 2014 से देश की अर्थव्यवस्था में किसान को केंद्र बिंदु बनाने का प्रयास आपकी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ है, इसके कारण किसान का जो भरोसा बढ़ा है, आपकी उपस्थिति इस प्राकृतिक कृषि के प्रयोग को
बहुत बड़ा संबल प्रदान करेगी और उसको बढ़ावे में हमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आचार्य देवव्रत जी आज यहाँ उपस्थित है, वो भी हमसे बात करने वाले हैं। देवव्रत जी ने बहुत सालों से ये प्रयोग, जब वो गुरुकुल के आचार्य थे तब से किए हैं और सफल प्रयोग किए हैं, और परिणाम मैंने भी उनके गुरुकुल पर जाकर खुद देखे हैं। यहाँ कृषि यूनिवर्सिटी ने भी इस पर संशोधन और बहुत सारे डेटा उपलब्ध करा चुके हैं, और जहां जहां वो गए, हिमाचल गए तो हिमाचल में, और अब गुजरात में लाखों किसानों को उन्होंने प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने का काम किया है। मैं सभी की ओर से उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी ने देश भर के किसानों को जो अपील की है कि हम प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़े और पूरी दुनिया को एक रास्ता बताए कि मानव का शरीर बहुत बहुमूल्य है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से जो रोग होने लगे हैं वो रोगों से हम मुक्ति पाए और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के माध्यम से हमारे शरीर को स्वास्थ्यप्रद रखे और किसानों को भी उनकी आमदनी बढ़ाने में हम योगदान करें। मैं फिर से एक बार ये विचार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। आभार माननीय गृह मंत्री महोदय आपका। गुजरात विकास का रोल मॉडल तो है, अब प्राकृतिक कृषि जीरो बजट फार्मिंग से देश की अगुवाही करने भी सज हो रहा है, और यह सजता में निरंतर प्रेरणा स्रोत ऐसे व्यक्तित्व जो स्वयं प्राकृतिक खेती के अनुभव ज्ञान के धनी है, गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान आचार्य देवव्रत जी। आपके मार्गदर्शन में गुजरात का डांग जिला 100% प्राकृतिक खेती युक्त जिला बना है। आपसे अनुरोध है आप अपने अनुभव ज्ञान से हमें अनुग्रहित करें। ओम अक्षयर मा दिव्य कृषि मित कृषस्व माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या ओम शांति। विकासोन्मुखी नूतन चिंतन और दृढ़ इच्छा के धनी हम सब के प्रेरणा स्रोत भारत के परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अहर्निश सक्रिय भारत के यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री भारत, माननीय मंत्री परिषद के सभी सदस्यगण, अधिकारीगण, कृषि वैज्ञानिक, इस आयोजन में प्रत्यक्ष और आभासी रूप से जुड़े हुए मेरे लाखों लाख किसान भाइयों और बहनों, अभी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम से हम सब के प्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के समस्त देश के लोगों से भारत के उत्थान और कल्याण के लिए 3 चीजें मांगी थी। आप हम सबको स्मरण होगा, उनमें प्रथम स्वच्छता, दूसरा सृजन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत। भाइयों और बहनों, मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को समस्त भारत के किसानों की ओर से बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि वो सदैव किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं उन्होंने दी हैं, जिनका वर्णन आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय ने, आदरणीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री जी ने अभी विस्तार से हमारे बीच में रखा है। आज हम सब ने संकल्प लेना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्राकृतिक खेती का
हम सबके सामने विचार दिया, उसके सृजन की दिशा में भारत का समस्त वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक और किसान बंधु मिलकर भावी भारत के निर्माण में और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में संकल्प के साथ आज आगे बढ़ेगा। भाई और बहनों, मैं स्वयं एक शिक्षक रहा और उसके साथ में किसान हूं। मैंने बचपन में अपने हाथ से हल भी चलाया है, पशुपालन भी किया है। अपने हाथ से खेती करने का मुझे शौक उस समय भी था और आज भी उतना ही बराबर है। आपकी जानकारी के लिए आज मैं वो अनुभव साझा करना चाहता हूं जो लाखों लाखों भारत के किसान इससे लाभ उठा पाए। जो नियम मेरी खेती में है वो भारत देश के हर किसान के भी खेत में है। भाई और बहनों, गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा में 35 वर्ष प्रधानाचार्य रहते हुए 1500 बच्चे आवासीय रूप से वहां पढ़ते हैं। उनके भोजन की व्यवस्था हमारे गुरुकुल के 200 एकड़ के फार्म में की जाती है। मैं उसमें 90 एकड़ जमीन में स्वयं खेती कराकर उन बालकों के भोजन, गेहूं, चावल, दाल, सब्जी की व्यवस्था कराता था। बाकी जो जमीन थी वो मैंने ठेके पर, लीज पर, भाड़े पर अन्य किसानों को दी हुई थी। एक दिन एक घटना घटी। खेत से मुझे सूचना आई कि आज खेत का अमुक कर्मचारी कीटनाशक का स्प्रे कर रहा था, गर्मी के दिन थे, वो उसके सिर में चढ़ गया और बेहोश होकर खेत में गिर गया। हम अस्पताल में लेके आए, 2-3 दिन बाद वो सामान्य हो पाया। और आप सब किसान इस बात को जानते हैं कि ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, लेकिन मेरे मन में एक विचार उस दिन आया कि मैं जिन बालकों को ये भोजन खिलाता हूं उनको तो साक्षात रूप से गेहूं, चावल, दाल, सब्जी में कीटनाशक छिड़कवाता हूं। ये कर्मचारी तो उसकी गंध मात्र से बेहोश हो गया। जो कीटनाशक भोजन में डाल करके मासूम बच्चों को मैं दे रहा हूं तो मैं ये अपराध कर रहा हूं। और उसी दिन से मैंने निर्णय लिया अब मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं कृषि वैज्ञानिकों से मिला, कृषि विभाग के लोगों से मिला और उन्होंने मेरे को कहा कि आप इसका विकल्प जैविक खेती के रूप में कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। मैंने तुरंत पिट बनाए, उनमें गोबर की खाद डाली, जो केचुआ गोबर खाता आयात किया जाता वो डाला और पूरी विधि से मैंने ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी। पहले साल 5 एकड़ में मैंने काम किया, मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, कीट पतंग सारा खा गए। अगले साल भी मैंने उस काम को नहीं छोड़ा, लगभग 50% मेरे को मिल पाया। तीसरे साल फिर मैंने उसको चलाया, पूरी मेहनत करके लगभग 80% में उसमें कुछ ले पाया। अब मैंने विचार किया कि मेरे पास तो यहां 200 एकड़ जमीन है, जिस किसान के पास 2-3 एकड़ ही जमीन है और वो इस ऑर्गेनिक खेती को करेगा और 3 साल यूं घाटा होगा तो उसके बच्चों का गुजारा कैसे चलेगा। इसमें मेरा खर्चा भी कम नहीं हुआ, मेहनत भी कम नहीं हुई, उत्पादन भी कम हो गया। इस चिंता में मैं बैठा था कि मैं वापस रासायनिक की ओर जाऊं, ये तो चलाई जा नहीं सकती। इसी बीच में मेरा परिचय सुभाष पालेकर जी से हुआ, जो प्राकृतिक खेती पर जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। जब मैंने उनको अपने गुरुकुल में बुलाया और 500 किसान इकट्ठे किए, 5 दिन का शिविर लगाया, उसमें स्वयं बैठ करके मैंने प्राकृतिक कृषि की समस्त जानकारियों को जाना।
और अगले 5 एकड़ खेत लेके मैंने उसमें प्राकृतिक खेती उस विधि से शुरू की। मुझे बड़ा सुखद अनुभव मिला कि पहले ही वर्ष मैं लगभग उतना ले पाया जितना मैं रासायनिक खेती में करता था, और अगले वर्ष उससे भी और अच्छा मेरा अनुभव रहा। फिर मैंने 10 एकड़ में वो खेती शुरू की, उसमें भी ठीक रहा। मैंने फिर सीधा 90 एकड़ में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी, और मेरा उत्पादन जितना रासायनिक खेती में होता था उतना हो गया, और इस समय मेरा उत्पादन रासायनिक खेती से भी ज्यादा होना शुरू हो गया। इस बीच में एक घटना और मेरे साथ घटी, जो बाकी मेरे 90-100 एकड़ गुरुकुल की जमीन थी जिसको मैं ठेके लीज पे लोगों को देता था, वो किसान इकट्ठे होके आए और 2017 में जो पिछले 25 साल से खेती को भाड़े पे लेते थे, उन्होंने मेरी खेती छोड़ दी, और ये कह करके छोड़ दी कि जी इसमें कुछ नहीं पैदा होता, हमारा खर्चा भी नहीं निकलता, हम आपका खेत नहीं लेंगे। मेरी चिंता बढ़ी, मैंने तो उपजाऊ जमीन उनको दी थी, और वो कहते हैं इसमें कुछ भी पैदा नहीं होता। तो मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के सीनियर साइंटिस्ट थे, केवी कृषि विज्ञान केंद्र के मुखिया डॉक्टर हरिओम मेरे मिलने वाले थे, उनको मैंने बात समस्या रखी। उन्होंने कहा जी यूं पता नहीं लगेगा, पूरी मिट्टी के सैंपल लेके लैब में भेजेंगे तब पता लगेगा कि भूमि का क्या स्थिति है। सैकड़ों सैंपल हमने लेके यूनिवर्सिटी में भेज दिए, रिपोर्ट आ गई, मेरी भूमि का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3, 0.4, 0.5 से नीचे आया। अब मैंने कहा मैं तो साइंटिस्ट नहीं, इसका मतलब क्या है? डॉक्टर हरिओम ने कहा कि वो किसान जो कह रहे हैं आपकी जमीन बंजर हो गई, अब ये वाकई कुछ पैदा करने की स्थिति में नहीं है। आप विचार करो, संपूर्ण भारत देश के किसानों से मैं निवेदन करता हूं, ये स्थिति क्यों पैदा हुई? उन लोगों ने किराए पे मेरी जमीन ली, उनका उद्देश्य से ज्यादा उत्पादन हो, यूरिया डीएपी कीटनाशक, यूरिया डीएपी कीटनाशक इतना डाला कि उपजाऊ जमीन मैंने दी थी और बंजर मेरे को दे करके चले गए। यही स्थिति पूरे देश की भूमि की हो रही है, कारण कि रासायनिक खेती में यूरिया डीएपी कीटनाशक का प्रयोग, जो जीवाणु जिनकी चर्चा मान्य गृह मंत्री जी ने की, जो केचुआ अर्थवर्म है वो तो उसे मर जाते हैं, तो वही तो ऑर्गेनिक कार्बन पैदा करते हैं, तो मेरी जमीन बंजर बना दी। मैंने डॉक्टर हरिओम को कहा अब मैं क्या करूं, उन्होंने भी एक लिस्ट बनाई, इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना फास्फोरस, इतना जिंक, इतना पोटास, पूरी लिस्ट, और इस खेत के कुछ अवशेष इसमें काटोगे, कुछ जिंक डालोगे। धीरे धीरे जितने 20-30 साल में ये बंजर बनी है, ऐसे ही धीरे धीरे उपजाऊ बनेगी। इतना लंबा प्रोजेक्ट, 100 एकड़ जमीन बर्बाद हो गई। मैंने कहा डॉक्टर साहब जो लिस्ट आपने बनाई इसी से तो ये बंजर हुई है, और आप फिर वही मेरे को बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम क्या करोगे? मैं कहा जो मैं प्राकृतिक खेती बाकी खेत में करता हूं यही करूंगा। उन्होंने उसका अभी तक जानकारी थी नहीं, उन्होंने कहा इस गोबर गोमूत्र से क्या बनेगा? मैंने कहा मैं देख लेता हूं, नहीं बनेगा तो फिर आपकी शरण में आऊंगा। और मैंने प्यारे किसान भाइयों उस 100 एकड़ खेत में 15 अप्रैल 2017 को किसानों ने जमीन छोड़ी, और मैंने 15 जून को उसमें घन जीवामृत 5-5 क्विंटल डाल के, क्योंकि उसमें कुछ भी बचा नहीं था, धान आरोपित किया, हर पानी के साथ जीवामृत दिया, उसी का स्प्रे किया, 2 महीने में धान लहलाने लग गए। और जब कटाई हुई
तो मेरे धान 26 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हुए। ये मैंने डॉक्टर हरियम को दिखाया, वो आश्चर्य में पड़ गए, ये कैसे संभव है, इतना ऑर्गेनिक कार्बन कम जमीन का, बंजर, इसमें इतना उत्पादन। वो चले गए, अगली भी खेती हमने उसमें ली। अगले साल फिर हमने इसी तरह से जीवामृत, घन जीवामृत का प्रयोग करते रहे। अगले साल उसी खेत में 32 क्विंटल एवरेज धान पैदा हुआ। जब 32 क्विंटल धान हुआ और डॉक्टर हरिओम ने खुद, जो साइंटिस्ट है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा भाई ये करिश्मा है, ये समझ की बाहर की बात है, मैंने जो पढ़ाई की है उसमें ऐसा हो नहीं सकता, मैं एक काम करता हूं, अपने साइंटिस्ट लोगों की एक टीम बुलाता हूं और आपकी जमीन की दोबारा मैं टेस्टिंग कराऊंगा। उन्होंने फिर सैकड़ों सैंपल उसी जमीन के लिए यूनिवर्सिटी में भेजे, रिपोर्ट आई, एक ही साल बाद मेरी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.34 से बढ़कर 0.7, 0.8 पे चला गया। अब इसको जब उन्होंने रिपोर्ट उनके सामने आई तो वो पहले से भी ज्यादा आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती में कभी भी इतना ऑर्गेनिक कार्बन एक साल में बढ़ ही नहीं सकता, दुनिया का कोई साइंटिस्ट इसे मानेगा नहीं, ये बिल्कुल सत्य है, ये उन्होंने ही बताया। और मैं भी कहता हूं कि आप मानेंगे नहीं जो जो रासायनिक के साइंटिस्ट हैं, कारण है उसका, मैंने फिर वही बात कि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम खेत में जीवाणु करते हैं, हलसिया अर्थवर्म केचुआ करता है, मित्र कीट करते हैं। अब रासायनिक में तो वो मार दिए गए तो ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ेगा, वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन प्राकृतिक खेती में कैसे बढ़े। तो डॉक्टर हरिओम ने अपने साथी लिए डॉक्टर बलजीत सारन, सौभाग्य से आज वो मैंने यहां बुलाए हैं, हमारे बीच में बैठे हैं। डॉक्टर साहब एक बार सबको दर्शन दे तो अच्छा लगेगा। आप डॉक्टर बलजीत सारन इस समय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के माइक्रोबायोलॉजी के सीनियर प्रोफेसर हैं। ये अमेरिका में, इंग्लैंड में और जर्मनी में माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट के साथ वर्षों इन्होंने काम किया है, इतने ऊंचे स्तर के ये माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं। ये अपनी टीम लेकर के मेरे गुरुकुल में आए और उन्होंने कहा ये तुम्हारा जीवामृत क्या, हम इस पे रिसर्च करेंगे। इन्होंने रिसर्च की, इन्होंने गाय, देसी गाय का गोबर लिया, भैंस का गोबर लिया, हॉस्टन फ्रीजन गाय का गोबर लिया, जर्सी का लिया, सब पे अलग अलग रिसर्च किए, महीनों सालों लगाए इन्होंने। अंत में क्या पाया कि केवल और केवल भारतीय नस्ल की देसी गाय, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, लाल सिंधी, कांकरेज, अंगोल, ये जितनी भी भारतीय गाय हैं सब में लगभग एक ही क्वालिटी पाई और एक ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा जीवाणु पाए। और इन्होंने सिद्ध किया कि देसी गाय का गोमूत्र खनिजों का भंडार पाया गया। और पालेकर जी ने अनेक बार ये रिसर्च करवाए और ये पूरे सत्य पाए। अब ये साइंस इसमें क्या है, अक्सर हमारे कृषि वैज्ञानिक बंधु कहते हैं इसमें साइंस क्या है। अब उस साइंस की जानकारी सब किसानों के लिए मैं निवेदन करता हूं। हम जीवामृत बनाते हैं, एक 200 लीटर का ड्रम ले लेते हैं, लगभग 180 लीटर पानी भरते हैं उसमें, उसको छाए में रखते हैं, 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, 1 मुट्ठी मिट्टी और 10 किलो देसी गाय का गोबर, 8 से 10 किलो गोमूत्र, इन सब को मिला के उस पानी में छोड़ देते हैं। अब आप विचार करिए, जब देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा जीवाणु हैं,
तो 10 किलो गोबर में कितने जीवाणु होंगे, और इन जीवाणुओं को दाल का बेसन प्रोटीन के रूप में खाने को मिलता तो ये बलवान बनते हैं, और गुड़ मिलता तो मल्टीप्लाई ये बढ़ते हैं, और मिट्टी में जो जीवाणु है उनसे मिलकर इनकी इतनी वृद्धि होती है कि ये हर 20 मिनट में डबल होते हैं, हर 20 मिनट में, और 72 घंटे में ये असंख्य मात्रा में बढ़ते हैं। जब हम किसानों को एक एकड़ का ये खाद तैयार है, आप विचार करो, दुनिया में ऐसा कोई खाद नहीं जो 4-5 दिन में तैयार होता हो, एक एकड़ का एक दिन के गोबर गोमूत्र से, गाय से एक एकड़ का खाद तैयार है। जब ये खेत में फैलता है, खेत के जीवाणुओं से मिलता है, तो इसमें जामुन का काम होता है, ये कल्चर है, ये खाद नहीं है, कल्चर है, और उन जीवाणुओं से मिलकर असंख्य जीवाणु पैदा होते हैं। और भाइयों, यही वो जीवाणु हैं जो आकाश में, वायु में 78% नाइट्रोजन है, ये जीवाणु उस नाइट्रोजन को खींचते हैं और पौधे का भोजन बना करके देते हैं। दूसरी बात, इस प्रक्रिया में आप विचार करो, धरती के अंदर अनेक खनिज हैं, उसमें फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, कॉपर है, ये सब कुछ धरती माँ के अंदर विद्यमान है, लेकिन ये तत्व अपने आप पौधे को भोजन नहीं देते। ये जो जीवाणु हैं, ये जीवाणु उन तत्वों से भोजन बना करके पौधे की जड़ को देने का काम करते हैं। तो इसका मतलब जितना जीवाणु खेत में होगा उतना ही ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, जितना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा जमीन का स्वास्थ्य बढ़ेगा, जितना जमीन का स्वास्थ्य बढ़ेगा उतना आपका उत्पादन बढ़ेगा। सीधा फार्मूला, ये साइंटिफिक है, ये साइंस है, साइंटिस्ट भी इस बात को जानते। दूसरी बात, जब ये जीवामृत, घन जीवामृत जमीन पर जाता है तो केचुआ, अर्थवर्म, हलसिया, जो यूरिया डीएपी से डरता हुआ धरती में समाधि लिए बैठा है, 10-15 फीट नीचे बैठा हुआ डरता हुआ, जब उसको ये भोजन उसका मिलता है, इसकी गंध पाकर के धरती को फोड़ करके वो ऊपर आता है और अपना काम शुरू कर देता है। भारतीय केचुआ गोबर भी खाता है, मिट्टी भी खाता है, काष्ठ भी खाता है, विदेशी केचुआ जो ऑर्गेनिक में प्रयोग करते हैं वो मिट्टी खाता नहीं, केवल गोबर काष्ठ खाता है। 16 डिग्री नीचे टेम्परेचर में मर जाता, 28 में जिंदा रहता नहीं। भारतीय केचुआ बर्फीली पहाड़ियों में भी काम करता है और रेगिस्तान में भी बराबर काम करता है, ये भगवान की एक व्यवस्था है। अब ये केचुआ कैसे काम करता है, ये धरती में यूं सीधा जाता 8-10 फीट तक, और दूसरे छेद से आता, इससे जाता, इससे आता है। जब ये जाता तो वर्मी बॉस अपने पसीने से छेद को लीपते हुए जाता, वो जल्दी बंद नहीं होता। इस छेद से ऑक्सीजन जमीन को मिलती तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है, और ये केचवा नीचे के खनिजों को खा करके मिट्टी के पेट से निकालकर विष्ठा रूप में जो पौधे की जड़ को देता है उसमें सामान्य धरती से 5 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना ज्यादा उसमें फास्फोरस है, और 11 गुना ज्यादा उसमें पोटास है। आप विचार करो, जब प्राकृतिक खेती होती है मेरे खेत में, एक एकड़ में कई कई लाख केचुआ होता है, और वो रात दिन जब ये काम करेगा तो कितना खाद किसान के लिए फ्री में पैदा करता है। और मजे की बात, जितने छेद बनाता, इतने छेद बनाता, उनकी गिनती नहीं हो सकती। जब वर्षा होती है, चारों तरफ मेड होती है, तो सारा पानी वर्षा का धरती के पेट में चला जाता है, नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, जिस काम पर हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं केचुआ फ्री में करता। सारी धरती पर यदि ये खेती होगी तो सारा पानी धरती में जाकर धरती का वाटर लेवल अपने आप बढ़ेगा, ये एक आश्चर्य है। इसके साथ
इस पद्धति में एक दूसरा महत्वपूर्ण अंग क्या है सभी किसान भाई समझेंगे, वो है आच्छादन, वो है मल्चिंग। वो क्या है मल्चिंग? जितना भी घास फूस खेत में होता है उसको जलाना नहीं। आज हम प्रदूषण फैला रहे हैं दिल्ली जैसे शहरों में, पराली जलाते हैं, अवशेष जलाते हैं, हम एक तिनका भी नहीं जलाते, ना जलाने की सलाह देते। मैं औरों के भी घास को अपने खेत में डलवाता हूं और उसका आच्छादन करता हूं। उसका मतलब क्या है? ये आच्छादन, फसल बो, फसल जमेगी, खाली जगह मत छोड़ो, उसमें ये घास भी जा दो। ये घास क्या काम करेगा कि आकाश में जो जलीय तत्व है उनको ये खींचता है और धरती की नमी को सूखने नहीं देता। 50% पानी की खपत कम हो जाएगी प्राकृतिक खेती में, नंबर एक। नंबर दो, जब 35 डिग्री धरती का तापमान होता है तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन आकाश में उड़ता है और वो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है, और घास से ढकते तो धरती में रहता तो धरती की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। दो, तीसरा इसका काम क्या है कि जो केचुआ वो केवल दिन में काम करता है, ना रात को काम करता, केचुआ दिन में नहीं करता। क्यों? दिन में जब वो काम करते बाहर आता तो पक्षी उठा ले जाता है, उसे अपनी मृत्यु का भय, इसलिए अंदर छुपा रहता दिन में। जब हम मल्चिंग करते हैं, धरती को ढक देते हैं, तो अंधेरा मिलता, पक्षी को दिखता नहीं, फिर वो रात दिन काम करता है, दिन में भी काम, रात को भी दाम, बिना पैसे का मजदूर किसान के लिए भगवान ने उसको भेजा, वो डबल काम करता जाएगा। तीसरा काम इसका ये होता है। और जो जीवाणु खेत में है, यही मल्चिंग उनका भोजन है और इसको खाके वो खाद में बदल करके जमीन को उपजाऊ बनाते हैं और वापसा तैयार करके धरती की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, मैंने इस पे एक पुस्तक भी लिखी है, वो नीति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और राजभवन गुजरात की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और वो निःशुल्क उपलब्ध है। आप कभी भी पूरा विस्तार में उसमें देख सकते हैं। समय अभाव में बहुत लंबी आज मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अंत में मैं निवेदन करता हूं कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने मेरे को जिम्मेदारी सौंपी हिमाचल प्रदेश में, और मैं जो खेती का अनुभव लेकर के गया, मैंने हिमाचल में देखा सेब पर 15-16 छिड़काव हो रहे, जिसको स्वास्थ्य के लिए खाते हैं वो जहर हो रहा था। मैं लोगों के खेतों में चला जाता था, किसानों को इकट्ठे करता था, और ये अभियान मैंने शुरू किया। मैंने 2 साल में वहां सरकार का सहयोग लेकर के 50,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ दिया, और उस टीम में डॉक्टर राजेश्वर चंदेल, श्री राकेश कंवर आईएएस अधिकारी हैं। जब मैं भाषण दे रहा था तो वो दोनों खड़े हो गए कि जी इस मिशन को हम पूरा इस प्रदेश में करेंगे। डॉक्टर राजेश्वर चंदेल आए क्या? आप हैं, आप साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी के वर्तमान में साइंटिस्ट हैं, और ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेरे आने के बाद उस परंपरा को बंद नहीं होने दिया, और पूरी टीम जोड़ करके आज 1.5 लाख से ज्यादा किसान बागवान इस समय हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को कर रहे हैं, और वो तेजी से बढ़ रहे हैं। उनकी आय बढ़ गई है, उनकी पानी की खपत कम हो गई है, उनके बेचारों के शरीर खराब हो गए थे छिड़काव से, आज वो खुशियां मना रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे बीच में टी विजय कुमार जी बैठे हुए आंध्र प्रदेश से, डॉक्टर साहब वो देखिए आप आंध्र प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। इन्होंने इसी प्राकृतिक खेती के द्वारा 5 लाख किसान आंध्र प्रदेश में जोड़े। ये जहां पानी नहीं है वहां भी 3-3 फसल इस प्राकृतिक पद्धति से लेते हैं। आप इनके मॉडल को देखेंगे आश्चर्य होगा। हम जानते थे इस पर प्रश्न चिन्ह उड़ेंगे, हमने साइंटिस्टों को साथ में जोड़ा है, आपके बीच के लोगों को जोड़ा है, इन पे पूरे के पूरे रिसर्च पेपर तैयार हैं। आप चाहें तो संपर्क में आकर इसको ले सकते हैं। भाई और बहनों, गुजरात की बात,
कोरोना आ गया, इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, हमारा कृषि विभाग ने मिलकर हमने 2 लाख किसान गुजरात में जोड़ दिए। 2 लाख देसी गाय किसान के खूंटे पे जा चुकी हैं और डांग जिला को भारत का पहला प्राकृतिक जिला घोषित करने का सौभाग्य गुजरात को मिला है। आज मुझे परम संतोष है। आज का दिन मैं समझता हूं किसान के भाग्य को बदलेगा, किसान के भाग्य को नहीं अपितु इस देश के लोगों की जीवन को बदलने वाला होगा। आज ग्लोबल वार्मिंग कितनी बड़ी चुनौती है, उससे निजात पाएंगे। जल एक बहुत बड़ी समस्या बन गई, बोतल लिए घूमते 20 साल पहले कहीं भी पी लेते थे, उससे मुक्ति मिलने वाली है। देसी गाय जो केवल पूजा के लिए चित्रों में आ गई थी, आज वो घर घर बंधने के लिए सम्मान के स्थान पर पहुंच रही है। भाई और बहनों, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा, किसान की लागत इसमें है ही नहीं। और मैं निवेदन अंत में करूंगा, इस प्राकृतिक खेती में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये जो फैक्ट्रियां और ये विस्तार चल रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान को बाजार में जाने की जरूरत ही नहीं है, कारण गाय उसके घर में है, खेत में गुड़ बनता है, खेत में दाल पैदा होती है, मिट्टी और इसमें लगता ही कुछ नहीं। ये पूरी ईमानदारी से यदि आपने गड़बड़ कर दी कि क्या फर्क पड़ता, भैंस का गोबर ले लो देसी गाय की जगह, रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन गाय का ले लो, नहीं मिलेगा। केवल और केवल देसी गाय में ये गुणवत्ता है, अन्य किसी प्राणी में नहीं मिली। इसलिए देसी गाय आज जो सड़कों पे घूम रही हैं, उनका हमने गोबर टेस्ट कराया। घर में बंधी में तो 300 करोड़ जीवाणु पाए, और ये जो धक्के खाती फिरती, इसमें 500 करोड़ जीवाणु मिले, क्योंकि उसकी ताकत जो दूध बनाने में लगती, वो उससे हटके जीवाणु बनाने में लग गई। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, सूंठास्त्र, हम ये चीज बनाते हैं, जो मेरी पुस्तक में समय अभाव में मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन इतना अंत में कहता हूं कि मेरे अपने खेत में अब कोई बीमारी नहीं लगती, उत्पादन मेरा बढ़ता जा रहा है। इस साल पड़ोसियों का धान 12-14 हजार खर्च करके रासायनिक में 28-30 क्विंटल मैक्सिमम उन्होंने लिया, और मैंने 33 क्विंटल एवरेज लिया। मेरा खर्चा 1000 रुपए एकड़ हुआ, और रासायनिक वाले का 12-14 हजार रुपए हुआ। और ये एक फसल में नहीं, सभी फसलों में ऐसा है। मेरी जमीन की गुणवत्ता इतनी बढ़ गई है कि इन्हीं डॉक्टर, अपने राजेश्वर चंदेल, डॉक्टर बलजीत सारन, इनकी टीम आई और उन्होंने पड़ोसी रासायनिक खेती वालों की मिट्टी ली, 5 किसानों की, उसको इकट्ठा किया, लैब में लेके गए, कितने जीवाणु पाए, 31 लाख 1 ग्राम मिट्टी में। फिर मेरे खेत की मिट्टी इन लोगों ने ली, 5 जगह से ली, मिलाई, लैब में चेक किया, मेरी 1 ग्राम मिट्टी में 161 करोड़ जीवाणु मिले। अब बताओ पैदावार ये देगी या वो देगी। इसलिए मैं आह्वान करता हूं भारत के किसानों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक महान निर्णय जो हम सब के कल्याण के लिए लिया है, आप आगे बढ़ें। आज इस प्राकृतिक कृषि का सृजन करते हुए किसान आत्मनिर्भर बने, मेरा देश आत्मनिर्भर बनेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक जबरदस्त क्रांति इससे आएगी, और हमने हजारों हजार किसानों को ट्रेनर बना दिया है। हिमाचल प्रदेश में आज 1000 किसान राजेश्वर चंदेल जी ने तैयार कर दिए, जो गांव गांव में जाकर के ट्रेनिंग देंगे। हिमाचल प्रदेश में महात्मा जी बैठे सामने, प्रफुल्ल भाई जी, साथ में इनकी पूरी टीम, और कैवल्य स्वामी जी, दीक्षित पटेल जी, ऐसे हजारों हजारों ट्रेनर तैयार कर दिए। हम पूरे देश में फैलकर प्रधानमंत्री जी का नारा, परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए, इस मिशन को एक जन आंदोलन बना करके भारत की इस माटी को, जो हमारी माँ है, इसको जहर मुक्त करेंगे।
धन्यवाद। हम आपके आभारी रहेंगे माननीय राज्यपाल महोदय। गुजरात में प्राकृतिक कृषि, नेचुरल फार्मिंग के कुछ इनिशिएटिव्स आइए अब देखें इस फिल्म के माध्यम से। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं दो दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है।
जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती माँ भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं, मेरे 150 पौधा है जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज्यादा आता था, पैसा भी ज्यादा लगता था और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई जरूरत नहीं। अभी इसमें पहले सर अगर 5,000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल में सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलत है, माश है, दालों में राजमा है और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है, हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वेराइटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता ही है। सर जी, मेरा नाम फूल कुमार, गाँव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे, इस खेत में हमने पंचक्षेत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब एक साल में 1.5 से 2.5 लाख तक मतलब आ जाती। कोविड जैसी महामारी की परिस्थिति में लोगों ने एक समझ आई कि जो आपको खोराक में शुद्धिकरण से तो आप बची सकाशे, तो हमें ये लोग समझवा मंडिया है, लोग उपभोक्ता समझवा मंडिया है कि आप प्राकृतिक खोराक खाव है तो त्या आप भाव पण मळे। हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है
और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। माननीय प्रधानमंत्री श्री हमेशा कहते हैं, खेत में अपना पसीना बहाने वाला किसान कृषि का ऋषि है। ऋषि संस्कार, सिंचन व धर्म जागरण से हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, तो कृषि के ऋषि कृषक जीवन के लिए आवश्यक अन्न प्रदान करते हैं। काशी विश्वनाथ धाम जैसे प्राचीन स्थानों के नवीनीकरण से इस देश की ऋषि संस्कृति को और प्राकृतिक खेती के प्रसार से कृषि संस्कृति को नया स्वरूप देकर भारत को विश्व गुरु बनाने कृत संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री श्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। आइए तालियों की गूंज के साथ आमंत्रित करें माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, आप इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। गुजरात के गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी, गृह और सहकारी मत्ता मंत्री श्री अमित भाई शाह, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अन्य सभी महानुभाव, देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में जुड़े मेरे किसान भाई और बहनों, देश के कृषि सेक्टर, खेती, किसानी के लिए आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने देश भर के किसान साथियों से आग्रह किया था कि नेचुरल फार्मिंग के नेशनल कॉन्क्लेव से जरूर जुड़े, और जैसा अभी कृषि मंत्री तोमर जी ने बताया, करीब करीब 8 करोड़ किसान टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर कोने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आचार्य देवव्रत जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत ध्यान से एक विद्यार्थी की तरह आज मैं उनकी बातें सुन रहा था। मैं स्वयं तो किसान नहीं हूं, लेकिन बहुत आसानी से मैं समझ पा रहा था कि प्राकृतिक कृषि के लिए क्या चाहिए, क्या करना है। बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने समझाया है, और मुझे पक्का विश्वास है आज का उनका ये मार्गदर्शन, और मैं जानबूझकर आज पूरा समय उनको सुनने के लिए बैठा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि उन्होंने जो सिद्धि प्राप्त की है, प्रयोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ाए हैं, हमारे देश के किसान भी उनके फायदे की इस बात को कभी भी कम नहीं आंकेंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं। साथियों, ये कॉन्क्लेव गुजरात में भले हो रहा है, लेकिन इसका दायरा, इसका प्रभाव पूरे भारत के लिए है, भारत के हर किसान के लिए है। एग्रीकल्चर के अलग अलग आयाम हो, फूड प्रोसेसिंग हो, नेचुरल फार्मिंग हो, ये विषय 21वीं सदी में
भारतीय कृषि का कायाकल्प करने में बहुत मदद करेंगे। इस कॉन्क्लेव के दौरान यहां हजारों करोड़ रुपए के समझौते, उसकी भी चर्चा हुई, उसका भी कुछ प्रगति हुई है। इनमें भी इथेनॉल, ऑर्गेनिक फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग को लेकर जो उत्साह दिखा है, नई संभावनाओं को विस्तार देता है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि गुजरात में हमने टेक्नोलॉजी और नेचुरल फार्मिंग में तालमेल के जो प्रयोग किए थे, वो पूरे देश को दिशा दिखा रहे हैं। मैं फिर एक बार गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के बारे में इतना सरल शब्दों में, स्व अनुभव की बातों के द्वारा बड़े विस्तार से समझाया है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में आज समय अतीत के अवलोकन का, उनके अनुभवों से सीख लेकर नए मार्ग बनाने का भी है। आजादी के बाद के दशकों में जिस तरह देश में खेती हुई, जिस दिशा में बढ़ी, वो हम सब ने बहुत बारीकी से देखा है। अब आजादी के 100वें वर्ष तक का जो हमारा सफर है, आने वाले 25 साल का जो सफर है, वो नई आवश्यकताओं, नई चुनौतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का है। बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए हैं। और श्रीमान तोमर जी ने इसका कुछ जिक्र भी अपने भाषण में किया है। खेती के साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और सौर ऊर्जा, बायोफ्यूल जैसे आय के अनेक वैकल्पिक साधनों से किसानों को निरंतर जोड़ा जा रहा है। गांवों में भंडारण, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग को बल देने के लिए लाखों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये तमाम प्रयास किसान को संसाधन दे रहे हैं, किसान को उसकी पसंद का विकल्प दे रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है। जब मिट्टी ही जवाब दे, जब मिट्टी ही जवाब दे जाएगी तब क्या होगा? जब मौसम ही साथ नहीं देगा, जब धरती माता के गर्भ में पानी सीमित रह जाएगा, तब क्या होगा? आज दुनिया भर में खेती को इन चुनौतियों से दोचार होना पड़ रहा है। ये सही है कि केमिकल और फर्टिलाइजर ने हरित क्रांति में अहम रोल निभाया है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हमें
इसके विकल्पों पर भी साथ ही साथ काम करते रहना होगा और अधिक ध्यान देना होगा। खेती में उपयोग होने वाले कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर हमें बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से दुनिया के देशों से अरबों खरबों रुपया खर्च करके लाना पड़ता है। इस वजह से खेती की लागत भी बढ़ती है, किसान का खर्च बढ़ता है और गरीब की रसोई भी महंगी होती है। ये समस्या किसानों और सभी देशवासियों की सेहत से जुड़ी हुई भी है, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है। साथियों, गुजरात में कहावत है, हर घर में बोली जाती है, पानी आवे तो पहला पाल बांधो, पानी पहला पाल बांधो, अपने ते बदाज कहता हुए छे। इसका तात्पर्य ये कि इलाज से पहले परहेज बेहतर, इससे पहले की खेती से जुड़ी समस्याएं भी विकराल हो जाए, उससे पहले बड़े कदम उठाने का ये सही समय है। हमें अपनी खेती को केमिस्ट्री की लैब से निकालकर नेचर यानी प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना ही होगा। जब मैं प्रकृति की प्रयोगशाला की बात करता हूं तो ये पूरी तरह से विज्ञान आधारित ही है। ये कैसे होता है इसके बारे में अभी आचार्य देवव्रत जी ने विस्तार से बताया भी है, हमने एक छोटी सी फिल्म में भी देखा है और जैसे उन्होंने कहा, उनकी किताब प्राप्त कर करके भी यूट्यूब पर आचार्य देवव्रत जी के नाम से ढूंढेंगे तो उनके भाषण भी मिल जाएंगे। जो ताकत खाद में है, फर्टिलाइजर में है, वो बीज, वो तत्व प्रकृति में भी मौजूद है। हमें बस उन जीवाणुओं की मात्रा धरती में बढ़ानी है, जो उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसमें देसी गायों की भी अहम भूमिका है। जानकार कहते हैं कि गोबर हो, गौमूत्र हो, इससे आप ऐसा समाधान तैयार कर सकते हैं जो फसल की रक्षा भी करेगा और उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएगा। बीज से लेकर मिट्टी तक सबका इलाज आप प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं। इस खेती में ना तो खाद पर खर्च करना है ना कीटनाशक पर। इसमें सिंचाई की आवश्यकता भी कम होती है और बाढ़ सूखे से निपटने में भी ये सक्षम होती है। चाहे कम सिंचाई वाली जमीन हो या फिर अधिक पानी वाली भूमि, प्राकृतिक खेती से किसान साल में कई फसलें ले सकता है। यही नहीं, जो गेहूं, धान, दाल या जो भी खेत से कचरा निकलता है, जो पराली निकलती है, उसका भी इसमें सदुपयोग किया जाता है। यानी कम लागत ज्यादा मुनाफा, यही तो प्राकृतिक खेती है। साथियों, आज दुनिया जितना आधुनिक हो रही है उतना ही बैक टू बेसिक की ओर बढ़ रही है। इस बैक टू बेसिक का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी जड़ों से जुड़ना। इस बात को आप सब किसान साथियों से बेहतर कौन समझता है?
हम जितना जड़ों को सींचते हैं उतना ही पौधे का विकास होता है। भारत तो एक कृषि प्रधान देश है, खेती किसानी के इर्द गिर्द ही हमारा समाज विकसित हुआ है, परंपराएं पोषित हुई है, पर्व त्योहार बने हैं। यहां देश के कोने कोने से किसान साथी जुड़े हैं। आप मुझे बताइए, आपके इलाके का खान पान, रहन सहन, त्योहार परंपराएं, कुछ भी ऐसा जिस पर हमारी खेती का, फसलों का प्रभाव न हो, कुछ भी नहीं है। जब हमारी सभ्यता किसानी के साथ इतना फली फूली है तो कृषि को लेकर हमारा ज्ञान विज्ञान को कितना समृद्ध रहा होगा, कितना वैज्ञानिक रहा होगा। इसलिए भाइयों बहनों, आज जब दुनिया ऑर्गेनिक की बात करती है, नेचुरल की बात करती है, आज जब बैक टू बेसिक की बात होती है, तो उसकी जड़ें भारत से जुड़ती दिखाई पड़ती हैं। साथियों, यहां पर कृषि से जुड़े कई विद्वान लोग उपस्थित हैं जिन्होंने इस विषय पर व्यापक शोध किया है। आप लोग जानते ही हैं, हमारे यहां ऋग्वेद और अथर्ववेद से लेकर हमारे पुराणों तक कृषि, पाराशर और काश्यपीय कृषि सूक्त जैसे प्राचीन ग्रंथों तक, और दक्षिण में तमिलनाडु के संत तिरुवल्लुवर जी से लेकर उत्तर में कृषक कवि घाघ तक हमारी कृषि पर कितनी बारीकियों से शोध हुआ है। जैसे एक श्लोक है, गोहितः क्षेत्रगामी च कालजो बीज तत्पर, कालज्ञो बीज तत्पर, वितंद्र सर्वशास्त्राज्ञ कृषको न अवसीदति। अर्थात जो गोधन का, पशुधन का हित जानता हो, मौसम समय के बारे में जानता हो, बीज के बारे में जानकारी रखता हो और आलस न करता हो, ऐसा किसान कभी परेशान नहीं हो सकता, गरीब नहीं हो सकता। ये एक श्लोक नेचुरल फार्मिंग का सूत्र भी है और नेचुरल फार्मिंग की ताकत भी बताता है। इसमें जितनी भी संसाधनों का जिक्र है सारे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। इसी तरह कैसे मिट्टी को उर्वरा बनाएं, कब कौन सी फसल में पानी लगाएं, कैसे पानी बचाएं, इसके कितने ही सूत्र दिए गए हैं। एक और बड़ा प्रचलित श्लोक है, नैरुत्यार्त ही धान्यानाम जलम भाद्रे विमोचयते मूलम मात्र तो संस्थाप्य कार्य जज मोक्षणम। यानी फसल को बीमारी से बचाकर पुष्ट करने के लिए भादो के महीने में पानी को निकाल देना चाहिए, केवल जड़ों के लिए ही पानी खेत में रहना चाहिए। इसी तरह कवि घाघ ने भी लिखा है, गेहूं बाहें चना दलाएं, धान गाहें मक्का निराएं, उख कसाएं, यानी खूब वाह करने से गेहूं, खोंटने से चना, बार बार पानी मिलने से धान, निराने से मक्का और पानी में छोड़कर बाद में गंगा बोने से उसकी फसल अच्छी होती है।
आप कल्पना कर सकते हैं, करीब करीब 2000 वर्ष पूर्व तमिलनाडु में संत तिरुवल्लुवर जी ने भी खेती से जुड़े कितने ही सूत्र दिए थे। उन्होंने कहा था, तोड़ी पुडुड़ी कच्छचा उनकिन, पीड़ी थेरुवम बेंडादू सालप पड़ुम, अर्थात इफ द लैंड इज ड्राइड सो एज टू रिड्यूस 1 ounce ऑफ अर्थ टू क्वार्टर, इट विल ग्रो प्लेंटीफुली इवन विदाउट ए हैंडफुल ऑफ मैन्योर। साथियों, कृषि से जुड़े हमारे इस प्राचीन ज्ञान को हमें न सिर्फ फिर से सीखने की जरूरत है, बल्कि उसे आधुनिक समय के हिसाब में तराशने की भी जरूरत है। इस दिशा में हमें नए सिरे से शोध करने होंगे, प्राचीन ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक फ्रेम में डालना होगा। इस दिशा में हमारे ICAR जैसी संस्थानों की, कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है। हमें जानकारियों को केवल रिसर्च पेपर्स और थियोरीज तक ही सीमित नहीं रखना है, हमें उसे एक प्रैक्टिकल सक्सेस से बदलना होगा। लैब टू लैंड, यही हमारी यात्रा होगी। इसकी शुरुआत भी हमारे ये संस्थान कर सकते हैं। आप ये संकल्प ले सकते हैं कि आप नेचुरल फार्मिंग को, प्राकृतिक खेती को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक ले जाएंगे। आप जब ये करके दिखाएंगे कि ये सफलता के साथ संभव है, तो सामान्य मानवी भी इससे जल्द से जल्द जुड़ेंगे। साथियों, नया सीखने के साथ हमें उन गलतियों को भुलाना भी होगा पड़ेगा जो खेती के तौर तरीकों में आ गई है। जानकार ये बताते हैं कि खेत में आग लगाने से धरती अपनी उपजाऊ क्षमता खोती जाती है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी को, और ये बात समझने जैसी है, जिस प्रकार मिट्टी को जब तपाया जाता है तो वो ईंट का रूप ले लेती है, और वो ईंट इतनी मजबूत बन जाती है कि इमारत बन जाती है। लेकिन फसल के अवशेषों को जलाने की हमारी यहां परंपरा सी पड़ गई है। पता है कि मिट्टी तपती है तो ईंट बन जाती है, फिर भी हम मिट्टी तपाते रहते हैं। इसी तरह एक भ्रम यह भी पैदा हो गया है कि बिना केमिकल के फसल अच्छी होगी ही नहीं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। पहले केमिकल नहीं होते थे, लेकिन फसल अच्छी होती थी। मानवता के विकास का इतिहास इसका साक्षी है। तमाम चुनौतियों के बावजूद कृषि युग में मानवता सबसे तेजी से फली फूली आगे बढ़ी, क्योंकि तब सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाती थी, लगातार लोग सीखते थे। आज औद्योगिक युग में तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की ताकत है, कितने साधन हैं, मौसम की भी जानकारी है। अब तो हम किसान मिलकर के एक नया इतिहास बना सकते हैं। दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के परेशान है, उसका रास्ता खोजने में भारत का किसान अपनी परंपरागत ज्ञान के द्वारा उपाय दे सकता है। हम मिलकर के कुछ कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, नेचुरल फार्मिंग से जिन्हें सबसे अधिक फायदा होगा वो है हमारे देश के 80% छोटे किसान। वो छोटे किसान जिनके पास
2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। इनमें से अधिकांश किसानों का काफी खर्च केमिकल फर्टिलाइजर पर होता है। अगर वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ेंगे तो उनकी स्थिति और बेहतर होगी। भाइयों और बहनों, प्राकृतिक खेती पर गांधी जी की कही ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। जहां शोषण होगा वहां पोषण नहीं होगा। गांधी जी कहते थे कि मिट्टी को अलटना, पटलना, भूल जाना, खेत की गुड़ाई भूल जाना, एक तरह से खुद को भूल जाने की तरह है। मुझे संतोष है कि बीते कुछ सालों में देश के अनेक राज्यों में इसे सुधार आ रहा है। हाल के वर्षों में हजारों किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। इनमें से कई तो स्टार्टअप्स हैं, नौजवानों के हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना से भी उन्हें लाभ मिला है। इसमें किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और इस खेती की तरफ बढ़ने के लिए मदद भी की जा रही है। भाई और बहनों, जिन राज्यों के लाखों किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं उनके अनुभव उत्साहवर्धक है। गुजरात में प्राकृतिक खेती को लेकर हमने बहुत पहले प्रयास शुरू कर दिए थे। आज गुजरात के अनेक हिस्सों में इसके सकारात्मक असर दिखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी तेजी से इस खेती के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। मैं आज देश के हर राज्य सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वो प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आए। इस अमृत महोत्सव में हर पंचायत का कम से कम एक गांव जरूर प्राकृतिक खेती से जुड़े, ये प्रयास हम सब कर सकते हैं। और मैं किसान भाइयों को भी कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि आपके अगर 2 एकड़ भूमि है या 5 एकड़ भूमि है तो पूरी जमीन पर ही प्रयोग करो। आप थोड़ा खुद अनुभव करो, चलिए भी उसमें से एक छोटा हिस्सा ले लो, आधा खेत ले लो, 1/4 खेत ले लो, एक हिस्सा तय करो, उसमें ये प्रयोग करो। अगर फायदा दिखता है तो थोड़ा विस्तार बढ़ाओ। 1-2 साल में आप धीरे धीरे पूरे खेत में इस तरफ चले जाओगे, दायरा बढ़ाते जाओगे। मेरा सभी निवेश साथियों से भी आग्रह है कि ये समय ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती में इनके उत्पादों की प्रोसेसिंग में जम करके निवेश का समय है। इसके लिए देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का बाजार हमारा इंतजार कर रहा है। हमें आने वाली संभावनाओं के लिए आज ही काम करना है। साथियों, इस अमृत काल में दुनिया के लिए फूड सिक्योरिटी और प्रकृति से समन्वय का बेहतरीन समाधान हमें भारत से देना है। क्लाइमेट चेंज समिट में मैंने दुनिया से लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को ग्लोबल मिशन बनाने का आह्वान किया था। 21वीं सदी में इसका नेतृत्व भारत करने वाला है, भारत का किसान करने वाला है। इसलिए आइए आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने।
एक एक किसान आत्मनिर्भर बने, और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं गुजरात सरकार का, गुजरात के मुख्यमंत्री जी का, उनकी पूरी टीम का इस इनिशिएटिव के लिए, पूरे गुजरात में इसको एक आंदोलन का रूप देने के लिए और आज पूरे देश के किसानों को जोड़ने के लिए मैं संबंधित सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री आपके इस अमूल्य मार्गदर्शन के लिए। और अब इस अवसर को विराम देते हुए कृषि व कृषि कल्याण सचिव श्री मनीष भारद्वाज से अनुरोध है कि आप सब उपस्थितों का ऋण स्वीकार करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री माननीय अमित भाई शाह जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी का सभी गणमान्य अतिथिशियों, गुजरात के आनंद जिले में आयोजित प्राकृतिक खेती के राष्ट्रीय कॉन्क्लेव को सफल बनाने में आप सबका जो निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, उसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ।